माथे की लकीरों का किस्मत से क्या है कनेक्शन, जानिए कैसे बताती हैं आपका भाग्य। आपने अक्सर ही माथे की लकीरों को भाग्य से जोड़ने वाली बातों के बारे में सुनी होगा। लोगों का कहना है कि माथे की इन रेखाओं में ही मनुष्य का भाग्य कैद होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि माथे की सभी लकीरों का अलग अलग महत्व होता है। तो आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं। बता दें कि माथे की पहली लकीर जो भौहों के बहुत ही निकट होती है, धन की लकीर मानी जाती है। ये लकीर जितनी साफ और स्पष्ट होगी उतनी ही अच्छी आर्थिक दशा भी होगी। वहीं इस लकीर का टूटा होना या छोटा होना बार बार आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव दिखाता है। वहीं भौहों के निकट की लकीर के बाद दूसरी लकीर स्वास्थ्य की लकीर होती है। ये लकीर गाढ़ी और साफ होने से मनुष्य स्वस्थ होता है, पतली और हल्की होने से बीमार रहता है। इस लकीर का टूटा होना या फिर ऊपर नीचे होना लंबे समय तक चलने वाली बीमारी का संकेत देता है। वही नीचे से पाई जाने वाली तीसरी लकीर भाग्य की होती है और कम लोगों के माथे पर पाई जाती है। छोटी ही सही, अगर ये माथे पर हो तो व्यक्ति भाग्यवान होता है। एक साथ तीन सीधी लकीरों का माथे पर होना मनुष्य को अतीव भाग्यवान बनाता है। वही ये लकीर भी माथे पर कम होती है, पर अगर होती है तो जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं। आयु के 26 वर्ष से 40 वर्ष तक उतार चढ़ाव और संघर्ष के बाद ऐसे लोग खूब सफल होते हैं।